अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा से कांग्रेस से टिकट फाइनल होने के बाद यादवेंद्र सिंह अमरोध के मंदिर पहुंचे। उन्होंने कहा, मुंगावली कृषि प्रधान क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र के किसानों के हित में जो भी काम बन सकेंगे वो सभी करेंगे। हमारा जो मुंगावली विधानसभा क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और हमारे इस विधानसभा में किसान लोग निवास करते हैं, तो सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता, यदि हमारी सरकार बनती है और भगवान इस बार हमारी सुनता है, तो सर्वप्रथम किसानों के लिए हम कार्य करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारी क्षेत्र में कृषि भूमि बहुत उपजाऊ है, परंतु सिंचाई के लिए जल की बहुत कमी है और हमारा सर्वप्रथम प्रयास इस सिंचाई के जल की व्यवस्था करना रहेगा, चाहे वो नहरों के माध्यम से हो, चाहे तालाबों के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी माध्यम से हो। और किसानों की दूसरी समस्या लाइट की है और भी तमाम प्रकार की किसानों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, सर्वप्रथम उनको हल करना हमारा पहली प्राथमिकता है। दूसरा, हमारा जो क्षेत्र का युवा वर्ग है वो रोजगार की के लिए दर दर की ठोकरें खाता है और उसको रोजगार के लिए जिले से बाहर और प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। हम उसकी भी चिंता करेंगे कि हमारा जो बेरोजगार युवा है वो हमें हमारे ज़िले से बाहर ना जाए काम की तलाश में, उसको यहीं पर काम धंधा मिल सके और वो अपने घर पर ही रहकर अपना काम धंधा और नौकरी कर सके। तीसरा, चाहे हमारे मजदूर वर्ग हों या हमारे व्यापारी वर्ग हों या हम विकास की बात करें, यदि तो हमारे मुंगावली क्षेत्र में विकास के मामले में अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। विकास के लिए बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हमें करना है और तमाम प्रकार से भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, अवैध खनन चल रहे हैं, राशन माफिया सक्रिय हैं, जो गुंडागर्दी चल रही है, सभी को समाप्त करना हमारा प्राथमिकता रहेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई नाराज नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और टिकट मांगना स्वाभाविक होता है। हर पार्टी में हर विधानसभा सीट से कई दावेदार होते हैं, परंतु एक व्यक्ति को मिलता है, एक व्यक्ति लड़ता है और सब कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं। जो लोग टिकट मांग रहे थे वो भी हमारे सब परिवार के सदस्य हैं, हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने में भूमिका निभाएंगे। आपके छोटे भाई खुद अभी बीजेपी में है, वो बीजेपी में राज्य मंत्री का उनके पास दर्जा भी है, क्या वो भी अब आपके साथ रहेंगे, क्या रहेगा? देखिए, मेरे साथ, मैंने पहले भी इस तरह के सवाल का जवाब दिया है कि मेरे साथ तो मेरे 2 लाख भाई हैं मुंगावली विधानसभा में और मुझे सभी से उम्मीद है कि सभी मेरे साथ रहेंगे और सभी कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। राव यादवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लिए जिले से और प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। हमारा प्रयास रहेगा कि यहीं पर उद्योग स्थापित हो, जिससे कि युवाओं को जिले से बाहर रोजगार की तलाश में न जाना पड़े। मृदुभाषी के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।